हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब के एक नए रूल के बारे में। अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो और आप अपने चैनल पे बहुत टाइम से वीडियोस को नहीं अपलोड कर रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अब एक यूट्यूब का नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया है। और अगर आप अपने चैनल पे उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंटेन नहीं करते हो तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो तो प्लीज़ इस वीडियो को तक देखना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप सबको पता है, YouTube चैनल को मोनेटाइज करने का एक क्राइटेरिया होता है, और जब क्रिएटर उस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेते हैं तब उनका चैनल मोनेटाइजेशन फीचर के लिए एलिजिबल होता है। और यहाँ पे क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो दोस्तों, ये जो वॉच टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक सिर्फ चैनल को मोनेटाइज करने के लिए यूज़ होता था, बट यहाँ पे यूट्यूब ने एक नया रूल लाया है कि अब दोस्तों अगर आपका ये जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो आपके चैनल पे मेंटेन नहीं रहता है तो अब आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो ये जो YouTube का नया रूल है, ये काम कैसे करता है और कैसे इसके कारण आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है, अब मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दे रहा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये एक ऐसा चैनल है जिसमें बहुत टाइम से वीडियोस नहीं अपलोड हो रही थी, जिसके कारण YouTube ने ये मेल सेंड किया है। वी नोटिस्ड यू हैवंट पोस्टेड एनी कॉन्टेंट टू योर यूट्यूब चैनल फॉर सेवरल मंथ्स एंड हैव फॉलन बिलो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। मतलब ये एक ऐसा चैनल है दोस्तों जिसने बहुत टाइम से अपने चैनल पे कोई भी वीडियोस, कोई भी कंटेंट को अपलोड नहीं किया था, जिसके कारण जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इनके चैनल पे डाउन हो गया था। अब दोस्तों, आपको अपने चैनल को मोनेटाइज रखने के लिए लास्ट 365 डेज में 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, बट यहाँ पे आपको 30 डेज का टाइम मिलता है। जब भी आपके चैनल पे ऐसा कोई वॉच टाइम डाउन होगा तो YouTube का 30 डेज पहले ही ऐसा कोई मेल आ जाएगा, और इसके बाद दोस्तों आपको आगे 30 डेज मिलेंगे, और उस 30 दिन के अंदर आप अपने चैनल पे वॉच टाइम को कवर अप कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने 30 डेज के अंदर अपने वॉच टाइम को कवर अप कर लिया तो आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होगा, बट अगर दोस्तों वॉच टाइम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेंटेन नहीं होता है, तब YouTube आपका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल देगा। और उसके बाद दोस्तों आपको फिर से मोनेटाइज करने के लिए वापस से 4000 घंटे का वॉच टाइम को कंप्लीट करके रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया इस वॉच टाइम वाले रूल के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।